मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर जबरन मोबाइल छीनने के मामले में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि इस शख्स ने एक महिला से जबरन उसका मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद महिला से इसका विवाद होने लगा और विवाद के दौरान यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और मोबाइल छीनने की जानकारी लगते ही इस शख्स की यात्रियों ने पिटाई करना शुरू कर दिया। मोबाइल छीनने के आरोप में जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसका नाम नईम रशीद कुरैशी, उम्र 23 साल है, जो मुंब्रा के जुबली पार्क फातिमा मस्जिद के पास का रहने वाला है। भीड़ जब आरोपी नईम की पिटाई कर रही थी उसी दौरान रेलवे पुलिस को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, मौके पर पुलिस पहुंचकर आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करने लगी, मगर पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोग आरोपी को मारते जा रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब पुलिस आरोपी को लेकर आगे बढ़ती है तभी एक और शख्स वहां आता है और आरोपी नईम को पुलिस के सामने ही ये दो तमाचा मार देता है। हालांकि गुस्से में आकर नईम ने भी इस शख्स को एक तमाचा मार दिया। इसके बाद इस शख्स को इतना गुस्सा आया और इसकी हिम्मत भी देखिए कि पुलिस से ही इसने डंडा छीन लिया और पुलिस के डंडे से खुद आरोपी नईम को मारने के लिए दौड़ा। पुलिस के आने के पहले इस आरोपी को भीड़ ने जमकर पिटाई की, मगर जब पुलिस आ गई उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। जबकि कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। मोबाइल छीनने के मामले में भीड़ ने जिस तरह से नईम की पिटाई की, अगर नईम की मौत हो जाती तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। नईम ने मोबाइल महिला से जबरन छीना था और पकड़ा गया, उसने जुर्म किया था, बिल्कुल उस जुर्म की सज़ा उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था और पुलिस उसे कानूनन सजा देती, मगर इस तरह से भीड़ की पिटाई से न्याय तो नहीं मिलता मगर किसी की जान जरूर चली जाती है। एक अकेला रेलवे पुलिस का जवान नईम को भीड़ से किसी तरह से बचाकर बाहर निकलता है। ये पूरी घटना 11 मार्च शाम के वक्त की है और GRP ने IPC की धारा 392 के तहत नईम के खिलाफ FIR दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक नईम रशीद कुरैशी ने जो मोबाइल फ़ोन छीना था वो ओप्पो का मोबाइल फ़ोन था, जिसकी कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है।